हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, सबसे पहले आपके होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैंने पोस्ट डाल दी थी और भाई कल मैं ये मैंने व्रत किया था संडे वाले दिन, तो आज ही मंडे को मैं अपना व्लॉग डालूंगी, इसलिए भाई लेट हो गया। ओडली अभी मैंने सूट ही डाल लिया क्योंकि हमारा व्रत बिल्कुल ही सीधा साधा होता है ये वाला, क्योंकि हम भाई दोपहर को भी कहानी सुनेंगे और दोपहर को ही कहानी सुनने के बाद अभी मैं अर्घ दे के आ जाऊंगी ऊपर सूरज को और फिर आके खाना खा लेंगे। बिल्कुल ऐसा छोटा सा वक्त होता है हमारा यहाँ, और मेरे पियर में भी ऐसे होता है और मम्मी यहाँ भी यही ऐसे ही होता है। कहीं कहीं चांद को रात को तारे देख के खाना खाते हैं, बहुत से दिन में ही जैसे अर्घ दे के खाना खा लेते, तो हमारा वही वही सिंपल वाला छोटा सा सीधा साधा व्रत है। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, देखिए मेरा सूट दिखाती हूँ आपको पूरा, ये बॉर्डर वाला और पूरा प्लेन सूट है, ये टाई पट्टी है गले पे। तो अभी मैंने अपनी हुईया भाई पानी की भर दी है और ये दो में डाल दिया है पानी, और क्योंकि मम्मी और मैं भरती है ना, और दो में डाल दिया है क्या बोलते हैं वो बातें, अनाज डालते हैं दो मतलब पानी डालते हैं। तो ये मैंने सूट लिया है मम्मी के सूट, मम्मी के लिए रखूँगी मैं ये वाला इनर का सूट है बहुत ही अच्छा, तो मम्मी ये भैया सूट भाई जिसको देगी वो सिला के पहनेगा। और जब अभी रख देती हूँ आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे अपनी तैयारी की है। तो क्या चाहिए तुझे, देखिए खुशी ने कैलेंडर चिपका दिया यहाँ पे होली माता का, और इधर इनमें डाल दिया है बाजरा, इसमें भी लाइट लगा देते हैं, इसमें भी बाजरा, और ये है पानी के। अभी ये मैं सूट रख लूँ क्योंकि भैया ऐसे वाला ये मैंने अपना सूट रख दिया, पैसे रखने हैं अभी। तो जी चलिए अब कहानी सुनेंगे, तभी आपसे मिलेंगे और मैं क्या हमारे यहाँ क्या बनता है कहानी सुनने के बाद वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ लेको मतलब कुछ हमारे को बताती हूँ, कोई डाउट ही होगा, मैं बनूँ कुछ ना डाला सब और क्या होगा, क्या नहीं हाँ जाऊँगा सीपर चलो अपने डांडे। तो जी अब मम्मी ने भी सूट निकाल दिया अपना, क्योंकि मम्मी भी भरती है, तो मैंने भी पहले अपना सूट रख दिया था, अब मम्मी ने भी रख दिया, बोलते खाली नहीं रखनी चाहिए हुई, तो इसलिए हम दोनों ने सूट रख दिया मैंने और मम्मी ने। और अब यहाँ हम बैठ के अपनी कहानी सुनेंगे। दो तुम खाली हो, एक दे दो, एक तू खाली एक वासु खा लेगा, दो हैं क्या ले आई थी और सात वाय थी सब तुम क्या रखी थी, वो ही खबर आ गया वनंग को आ रही थी और बाकी सारी थी वो बड़ी, चलो लिपण को तना माटी ले आएंगे, माटी लेन चली गई को बार हम चली गई को नम चली गई को बार सुन तो ना की को नम खड़ी हो गई तो थोड़ी सी गई कोई पे बड़ा काला जना पर तू खोज दे वा खुदे गई खुदे गई अब उनके बचड़े आओ हैं और काटी दे उन अभी रहना था कोई शव माता के बचड़े आओ और काटी दे छोटे मोटे बचड़े आओ और काटी दे काट दिए उसकी शव माता ने उसकी उख ले ली तो आई ब्याई के आई हुई माता नवा छोरी तो बालक ना हुई और फिर घर आई वह सासु बोली आई वाटी तरह की वह फिर ब्याह पास है अगर मैं कुआ की तरह जो कबाड़क तो ये नहीं मैं कह वह भाई खाने वाह खाने की तरह जी जो जिसका बाढ़ ना मैं तो फिर बोलिए आपको आता है भाई बाहर है बाहर बोला इसमें गम तो बाहर है दुआ भी दे दो इसका गम तो बाहर दुखी दुखड़ी गई थी दुखड़ी जाती गई दो अंदर होगी वो और खाड़ दी गम तो बाहर दुखड़ी ही गिर दी आया वो माता का एक बुढ़ी गाय थी उसकी किसी ने बताई उसकी सेवा कर
उसकी सेवा करना चाहिए। उन गाय खोज दें और वसा में हुए गोबर ठाया हुए धोया हुए खुश कराया हुए सेवा करे। हाँ तो क्या वो माता थी वो माता वो आके थी परीक्षा ले रही थी वा परीक्षा ले रही थी उन्होंने कई साल करी करी तो फिर प्रकट होगी वा। हाँ प्रकट होगी ना। एक दिन सोची अका का आज देखूँ मेरे ठान में कौन कसा मैं कदा है कौन मेरा नैर पूछना ठीक कर कदा है कौन मेरा वो करे है दिखना आई तो वह लग रही बोली बेरे तू कौन है कौन बताऊँ मैं तो जानी मन जाए अख ना बता तो मेरे साथ बाकी थी वो मन माटी खुदन लेगी मन डेरा ना था शाह माता की बचड़े आए गए पटली गई मेरी शाह माता ने सूख ले ली मैंने बचन भर ली तू उस तक आना कि बोलिया मन कुख दे दे अकबेरे तुम नहीं कुकर दे दूँ तो ना बचन भर ली बोलिया बताता तू तो मैंने बालक से बोली एक बचन आ रही दो बचन आ रही तीजे बचन आ रही ठीक कर जाए तो करे भगवान देगा तो गम तो बाहर रह थी आई हो माता और दूसरी आई तो वा अच्छा तो बोले अब के मांगा जी एक बच मन उदाती जी मन जाएंगे मैं लगी हो जाएंगे अब फिर उसके साथ और थी उनसे पाँच छः तो बोली वो सासू बोली का व्रत था जाओ ये उसने भी खूब शिंगरी मंगरी काम करने वाली हरी बंदी बंदी ला गई काम करने दसी अपनी सासू बोली नीनू हाँ दुआग दियाओ ना दुआग दे रखा रुदई दियाओ अपना बना खा लेगी उसका तो काम आल भी लाग रही ठाठ बाट हो रही है अग्नि उसका तो बालक भी खिलाना अगर बालक पागने में भी झूला खेला है अरली परी पुलतरी बहुत बढ़िया मकान बने रही उसके तो ठाठ बाट हो रही है तो ना झुकड़ी में काटी थी तो फिर बोली फिर चल दीवा गई उसके पाया में पड़ने लग गई बहु क्या बोले ना मेरे पाया में ना पड़ा क्यों अक सची बताता ना किए जाए अक मन तो कुछ नहीं जानी पक्ष कदे माटी खुदी थी शाह माता के बचड़े काट दिए थे शाह माता ने मेरी कुकली रखी थी शाह माता ने मेरे तक रोटी दे दी जय शाह माता जिसी अमना ऐसी सब ना जिसी पहली आई सी किसी ना इसकी वो देखो खीर बना हुआ गेट पास लुक जाए हवा कहानी नहीं है हाँ बुढ़ी थी हाँ वाह यार बाबा बिना की हाँ बाबा बिना की हाँ याद को ना पूरी याद को ना करे बंद फोन ये मैं दिया हूँ हाँ लग गया चांदी का थला गिरते देखा ना हाँ चांदी का थला इसमें पानी नहीं ये पानी में गिर ले पानी गिर ले होती सारी अरगा मैं दिए डॉक्टर मेरा सासरा अब बज गए हैं शाम यानी कि दोपहर के तीन। तो अब मैं बनाऊंगी पूड़े। हमारे पूड़े से धोख लगती है हुई की तो अब पूड़े बनाऊंगी उनकी धोख लग जाएगी और हम खा लेंगे। और जो पहले चार पूड़े निकालेंगे वो अपने भाई हमारे यहाँ है एक लड़की तो उसको दे देंगे क्योंकि प्रसाद होता है ये शुरू का जो जैसे भोग लगाते हैं होई के तो मम्मी उसको दे के आ जाएगी पैसे भी। और ये चार मैं बनाऊंगी पूड़े पहले जो निकालूंगी तो उसी लड़की को दे देंगे। तो जी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना। तो आप कैसे करते हैं बहुत से तारे देख के भाई अपना व्रत खोलते हैं बहुत से दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले मम्मी अब होई की पूजा करेगी। तो जी मम्मी जिन पूड़ों से पूजा करी यही पूड़े और जो हमने कहानी सुनते वक्त जो वही फल लिया था वो सब मम्मी अब दे के आएगी भाई अभी लड़की को। और ये सब मम्मी देने जा रही है और आने के बाद फिर मम्मी खाएगी खाना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक मेरी राम राम राम।